दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मेरा वीडियो देख रहे थे स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, ये है आपका IEPL MOSFET डॉटर बोर्ड, यानी कि इस सर्किट से आप सोलर में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब रात होगा तो आपका जो LED की जो उसकी लाइट है अपने आप जल जाएगी, जब मॉर्निंग होगा तो अपने आप ये ऑफ हो जाएगा। उसका ये ड्राइवर बोर्ड है। तो दोस्तों ये खराब हो जाने पर बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो MOSFET आप देख रहे हैं IRF 9540 जो MOSFET है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से बनाना मुश्किल होता है। और दोस्तों यहाँ पे दूसरे MOSFET लगाने पर भी वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये MOSFET जो है ये पी टाइप MOSFET है, एन टाइप MOSFET नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो MOSFET है पी टाइप MOSFET है, यानी कि इसकी जो सोर्स है सोर्स में आपको सप्लाई जो करना होगा यहाँ पे पॉजिटिव देना होगा। लेकिन जनरली दोस्तों हम लोग 540 PDL5 यूज करते हैं, उसमें आपका नेगेटिव होता है सोर्स में, लेकिन दोस्तों इसमें जो है आपका पॉजिटिव इसमें दिया गया है। और जो इसकी जो हीटिंग की जो सप्लाई होती है हम लोग उसमें पॉजिटिव सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव आउट हो जाएगा यहाँ से, दोस्तों इसकी पॉजिटिव यहाँ से आउट हो जाएगी। तो और दोस्तों ये ऑन कब होगा, ये पी टाइप है। तो पी टाइप में दोस्तों इसमें क्या होता है, ये हम लोग एनपीएन जब यूज करते हैं तो उसके जो क्या होता है एन टाइप पे यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है आपका जो है पॉजिटिव सप्लाई जब देते हैं हम लोग 4 से 5 वोल्ट तब जाके ये ऑन होता है। दोस्तों ये आपका जो ऑन होगा ये नेगेटिव सप्लाई पे ये ऑन होगा। दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई देख रहे हैं आप, ये नेगेटिव सप्लाई जो है ये ऑन करने के लिए क्या होगा, इसमें दोस्तों देख रहे हैं आप ये जो सोलर की जो सोलर पैनल में जब कनेक्शन करेंगे उसमें कुछ रेजिस्टेंस बन जाएगी, और वो रेजिस्टेंस जो होते हुए इसमें नेगेटिव सप्लाई मिल जाएगा, जो कि इसकी सोर्स और ड्रेन आपस में शॉर्ट होंगे और इसकी जो लाइट जल जाएगी, यानी कि रात में जो है इसके रेजिस्टेंस को मिलेगी। दिन में क्या इसमें वोल्टेज इनपुट होगा, जब वोल्टेज जब इनपुट होगा ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव ये हो जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव निकलते हुए इस डायोड के थ्रू पॉजिटिव निकलते हुए आपका डायरेक्ट बैटरी को चार्ज करेगा। यहाँ से पॉजिटिव इनपुट होगा और डायोड से निकल के ये बैटरी को चार्ज करेगा। नेगेटिव तो आपको कॉमन देख रहे हैं आप, ये कॉमन है, ये चार्ज करेगा, जैसे लाइट चला जाएगा तो यहाँ से आपका सोलर से नेगेटिव मिलना चालू हो जाएगा और ये आपका लाइट जल जाएगा। और दोस्तों इसमें अगर आपका सोलर निकालने के बाद भी आपको जलाना है तो यहाँ पे आपको एक 10K का रेजिस्टेंस आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव में आपको 10K का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आपका ये वर्क करना चालू हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपको ये डायोड नहीं मिल रहा है, B540C है, तो दोस्तों ये अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप 6 एम्पियर का डायोड लगा सकते हैं। यहाँ पे 6 एम्पियर का डायोड लगाएंगे और यहाँ पे 4007 यहाँ पे लगा सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं आप इसकी ये डायग्राम है, तो उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं और आप इसको बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसको क्या करना होगा, आपको एन टाइप का अगर MOSFET यूज करेंगे तो उसमें जो है इसके कनेक्शन सब उल्टा होगा, उल्टा करके आप बना सकते हैं। और दोस्तों मैं एक और सर्किट का मैं बारे में बता देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक सिंपली रिले के थ्रू बनाई है और इसको आप बना के लगा सकते हैं, ये सिंपली ये लग जाएगा। लेकिन दोस्तों ये इसकी हिसाब से ये जो है ये थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सोलर का जो कनेक्शन आएगा नेगेटिव जो है डायरेक्टली आपका आउटपुट हो जाएगा, नेगेटिव आपका एक आउटपुट में चला जाएगा जो कि बैटरी चार्जिंग के लिए होगा, और एक नेगेटिव आपका रिले में लग जाएगा, ठीक है, और एक नेगेटिव आपका जो है कि LED का कनेक्शन में चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपका जितना देख रहे हैं आप यहाँ पे नेगेटिव कॉमन मिलेंगे आपको, पॉजिटिव जो है दोस्तों यहाँ पे 7812 जो रेगुलेटर IC है वहाँ पे इनपुट होते हुए यहाँ पे आपका 12 वोल्ट मिल जाएगा, जो कि रिले के लिए ऑपरेट करेगा। दोस्तों यहाँ सोलर से जो कि 18 वोल्ट आता है उसको आप 12 वोल्ट करके ये आपका कोइल को देता है। इसकी जो रिले की कोइल होती है वो 12 वोल्ट की होती है, यहाँ पे 18 वोल्ट इनपुट होगा तो ये कोइल खराब हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर 12 वोल्ट पर रेगुलेटर लगाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्टली डायोड लगा के भी लगा सकते हैं, इससे क्या हो ये 100% वर्क करेगा, लेकिन इसमें क्या इसकी लाइफ नहीं मिलेगी रिले की,
रिले की लाइफ नहीं मिलेगी, इसके लिए यहाँ पे रेगुलेटर आईसी लगाया जाता है। और दोस्तों यहाँ से देखते हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ पे डायोड लगाते हुए आपको ये पॉजिटिव सप्लाई मिल जाएगा और नॉर्मली ये आपका ओपन में है। जब ये रिले ऑन हो जाएगा तो ये कनेक्टेड हो जाएगा और जो कि बैटरी को ये चार्ज करेगा। इसके लिए यहाँ पे डायोड लगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे डायोड नहीं लगाने से भी काम चलेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसकी जो सप्लाई रिवर्स में काम करेगी और ये रिले ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डायोड लगाना पड़ेगा, 6 एम्पीयर का लगा सकते हैं, जो कि ये बैटरी को चार्ज करेगा। तो दोस्तों ये सिंपली आप भी बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें ये कॉस्टली हो जाता है। और दोस्तों ये आपका ये सस्ता पड़ेगा, जो कि ये मॉस्फेट के थ्रू ही बनाया जाता है। मॉस्फेट रिले की जगह पे काम कर रहा है और 2 डायोड इसमें है, इस हिसाब से बना सकते हैं। और ये सिंपल में भी है, और लेकिन दोस्तों इसमें मॉस्फेट आपको ये ऑनलाइन से परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में पी टाइप का मॉस्फेट नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो से कुछ आप लोगों को नया सीखने को मिला होगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।